नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और SSGD वाले के लिए सेट शुरू किए हुए हैं और आज जो सॉल्व करेंगे अभ्यास पेपर सेट 21 के 15 मैथ को आज हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकिएगा, ठीक है। यदि आपको भी कोई बुक्स कोई चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको वह चैप्टर का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, 31 नंबर क्वेश्चन से मैथ रहता है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, ठीक है। फिर b अनुपात c बराबर 8 अनुपात 9। तो आपसे पूछ दिया है भैया a अनुपात c का मान बता दीजिए। तो सुन लीजिए, यदि हमारा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि सबसे खतरनाक ट्रिक दिए हुए हैं, पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा वैसा ट्रिक दिए हुए हैं आपको रेशियो का क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। वो भी राम सिंह यादव जी के बुक से सॉल्व किए हुए हैं, RS अग्रवाल के ही बुक से सॉल्व किए हैं, मतलब 5-6 बुक से सॉल्व किए हुए हैं जिसमें एकदम आसानी से बनाने का तरीका आपको बताया गया है। इसमें तो ज़्यादा डीपली हम नहीं बता सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा डीपली जानना है तो राम सिंह यादव जी के बुक से देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और नहीं तो RS अग्रवाल भी देख लीजिए, दोनों से एक ही बात है, ठीक है। चलिए, जिसका मान निकलना रहता है उसको पकड़ लेते हैं, आगे जाते हैं तो फर्स्ट 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 से गुना करते जाते हैं और पीछे आते हैं तो लास्ट लास्ट से गुना करते हैं। आगे CDEF कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, एक का मान निकल रहा है, एक को मान को पकड़ लिए, आगे जाएंगे तो फर्स्ट से गुना करेंगे, 3 8 24, तो यहाँ 24 लिख दिए। अब सी का मान पूछा है तो सी के मान पकड़ लिए, अब पीछे आएंगे तो लास्ट, तो फर्स्ट ही है लास्ट ही है, तो 9 4 36 हो गया। जरूर आपको 2-3 सेकेंड के बचाव होगा, ठीक है। बनाने का तरीका तो दोस्तों 5-6 का तरीका है, हमको भी आता है, लेकिन सबसे आसान तरीका है वही ना सीखिएगा। चलिए काट दीजिए, कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, 12 2 24 36, यानी कि 2:3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2:3 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तेरी बेवफाई का शिकवा करूँ तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 0.821 को प्रतिशत में लिखो, 0.821 को प्रतिशत में लिखो। सुनिए, दशमलव के बदले बट्टा में एक आता है, दशमलव के बाद 3 को अंक है तो बट्टा में 3 को 0 आएगा, ठीक है। दोस्तों कोई भी वैल्यू को, भिन्न वाला वैल्यू को 100% से गुना कर देने के बाद प्रतिशत में चेंज होता है, तो बस 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, 00 से 00 कर जाएगा, 1 0 हटेगा, 0.1 के बाद पड़ेगा, यानी कि 82.1% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है x+3 = 0, तो x के मान बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, x+3 = 0, तो x के मान +3 उधर जाएगा तो -3, यानी x का वैल्यू आ गया -3, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब मने मने बनने वाला क्वेश्चन है, ये सब कोई जितना क्वेश्चन पढ़ा है इसमें कुछ किसी भी पेन उठाने की जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x = 1 हो तो 2x + 3 का मान बताइए। ये क्वेश्चन है कोई, ये तो खिलौना है, x के जगह 2 1 भर दीजिए, 2 1 + 2 = 3 5, आपका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, वर्गमूल है, 82 से 81 का वर्गमूल क्या होगा, तो अंतिम में एक है ना, तो इसको वर्गमूल जो कीजिएगा, वर्गमूल करने के बाद जो संख्या जो आएगा उसके अंतिम में एक या तो 9 होगा, तो देख लीजिए ये कौन ऑप्शन में है, 1 और 9, एक एक ऑप्शन में है, ले जब 1 और 9 दो ऑप्शन रहता, दो में जैसे एक में 1 रहता, एक में 9 रहता, तो चेक करने का जरूरी रहता है, यहाँ चेक करने का कोई जरूरी नहीं है, एक ऑप्शन में है 91, इसका वर्गमूल हो जाएगा 91। ये सब ट्रिक बता रखे हैं वर्गमूल घनमूल चैप्टर में, ठीक है, एक एक ऑप्शन है जिसमें 91 है। दोस्तों एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें टेक्निक फिट रहता है, ठीक है। यदि आप क्वेश्चन देख कर और आंसर निकालना सीख जाइएगा ना जिस दिन, उस दिन आपका नौकरी रखा है,
ठीक है, जैसे हम कैसे पकड़ लिए कि एक है तो एक वाला ही आंसर आएगा, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में है एक वाला, ठीक है, नौ वाला रहता तो सोचना पड़ता तब निकालना पड़ता। और कैसे निकालेंगे ये सब पढ़ा रखे हैं वर्गमूल घनमूल चैप्टर में, जो कि राम सिंह यादव जी के बुक से पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रूट अंडर 64 माइनस रूट अंडर 25, 64 का वर्गमूल 8 होगा, 25 के 5 होगा, 8 में से 5 के 3, आपका आंसर 3 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन रिपीट है, पिछले सेट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, 6 माइनस ए का औसत क्या होगा, औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, योग, अब बट्टा में संख्या, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, दो से भाग दे दीजिए, हो गया माइनस में प्लस में जी कट गया, 6 6 12 / 2 यानी कि 6 आपका औसत आ गया। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। दोस्तों थोड़ा गर्म पानी पी लेते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, स्क्वायर हटेगा दोस्तों तो बराबर को जरूर चढ़ेगा। ठीक है, और फिर दिया है आपको x माइनस वाई के स्क्वायर बराबर दिया है 64, स्क्वायर हटेगा तो जरूर चढ़ेगा। x प्लस वाई 100 का वर्गमूल 10, x माइनस वाई 64 का वर्गमूल 8, किसका मान पूछा है आपसे, मान पूछ दिया x का मान पूछा है, तो y y कट गया, x x कितना 2x जोड़ रहे हैं, 10 8 18 दो से कर जाएगा 9 बार में, x का वैल्यू आ गया 9, यही आपसे पूछ दिया, x का वैल्यू पूछा है, ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया, कितना नाजुक है मेरा दिल इसे क्यों तो। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है यदि HCF 116 है, HCF 116 इसे लिखने कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, HCF 116, LCM 7700, पहली संख्या 275 तो दूसरी संख्या बताएं। फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, इसे सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ मान जिसका दिया वहाँ पुट कर दीजिए, पहली संख्या दिया है कितना 275 तो 275 लिख दिए गुना, दूसरी संख्या नहीं पता है, LCM पता है 7700 और HCF पता है कितना 216, काट दीजिए तो यहाँ कटने वाला है, हाँ कटने वाला तो है। चलिए 5 से कटिए 5 25 5 25, 5 से कटिए 5 1 5 और 2 5 25 5 2 20 0। ठीक है, फिर 5 से कटिए 11 बार में, 5 से कटिए 5 3 15 5 8 40, 11 से कटेगा 11 2 9 22, हाँ कट जाएगा 11 2 9 22, 11 8 88, दूसरी संख्या जो आया गुना कर लीजिए 28 से, बड़ा संख्या है, हाँ बड़ा संख्या है। चलिए तो क्या आया 28 गुना 216, 8 6 48, 8 वाला ऑप्शन है कोई, देखिए तो 8 वाला ऑप्शन दू को एक एक अंक और बढ़िए, तो 6 2 9 12, 8 1 8 12 8 20, 4 24 48 लास्ट में है कोई ऑप्शन में, 48 48 तो दो ऑप्शन में है, एक अंक और बढ़िए तो बढ़िएगा, तो 2 1 2 8 16, 16 2 18, 18 और उधर हासिल कितना था 6 2 9 12, 2 हासिल था 18 2 20, 20 के 0, 0 48 लास्ट में किसी ऑप्शन में है, हाँ 0 48 ऑप्शन नंबर सी में है, 3 यानी 48 30 48 अब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह गुना करते करते आप प्रैक्टिस करते करते सोचिएगा ना, तो नौकरी रखा हुआ है। ठीक है, मेहनत से सब होता है दोस्तों। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, तेरी बेवफाई का सिकवा करूँ तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एक पहिया की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, 400 चक्कर लगाने में दूरी ज्ञात करो,
मीटर में, ठीक है दोस्तों। एक पहिया, कोई भी पहिया एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करेगा जितना उसका परिधि की लंबाई होगा। तो परिधि की लंबाई क्या होता है, 44 बट्टा में 7 गुने त्रिज्या, ठीक है। अब 44 बटा 7 कहाँ से लिख दिए हैं, यदि हमारा प्रत्येक वीडियो आप देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा, चल रहा होगा कि कहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। 2 पाई आर का ही मान है, 44 बटा 7 गुने आर, तो त्रिज्या इसमें दिया हुआ है 42, तो 42 लिख दीजिए। एक चक्कर का मान हुआ, पूछा है 400 चक्कर में 400 से गुना कर दीजिए, लेकिन इसमें आंसर पूछा है मीटर में, तो सेंटीमीटर में इसको मीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, 00 से 00 काट दीजिए, 7 × 6 = 42 कर दीजिए, और 44 गुना 6 × 6 = 24, 4 × 16 छः वाला ऑप्शन है कोई, देख लीजिए छः वाला ऑप्शन एक एक वाले है 1056, 1056 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, दोस्तों गुना भी कीजिएगा ना तो इतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए एक अंक से पकड़ लीजिएगा, एग्जाम में लगभग 5-6 को क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा जो आपको ऑप्शन से पकड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 41 एक पहिए का व्यास 105 है, 330 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। एक पहिया में कितना दूरी तय, एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, 44 बटा 7 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या कितना है, 105 जो है व्यास है, 105 व्यास के आधा त्रिज्या, तो आधा कर दिए त्रिज्या हो गया, एक चक्कर में एक चक्कर की दूरी हो गया। हम मानते हैं कि एक चक्कर में वह 330 मीटर की दूरी तय कर लेगा, 330 मीटर की दूरी, लेकिन यह जो है सेंटीमीटर में है, यहाँ मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लीजिए या इसको मीटर में बदल लीजिए, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, इसी को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, 100 से भाग देकर, सॉरी मीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से काट खूट कर दीजिए, 7 से कटिएगा 1507, 15 से कटिएगा 15 × 30, 15 × 30, 22 से कटिएगा 22 × 44, 2 से कटिएगा 100 बार में, एक्स 100 भाग में उधर तो गुना में, यानी एक्स का वैल्यू 100, एक्स माने है चक्करों की संख्या, एक्स का वैल्यू आया 100, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, रोज रोज तुम जो सनम ऐसे करेंगे, हम जो उठ जाएंगे तो आह भरोगे, आहा तुम तो बड़ी चालाक हो। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एक्स तथा वाई का अनुपात 2:3 है, एक्स अनुपात वाई का 2:3 है, एक्स अनुपात वाई यानी 2:3 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने के बाद 3:4 हो जाता है, जोड़ने के बाद है, ठीक है, जोड़ने के बाद है ई वैल्यू, ठीक है। और इसे कितना जोड़ रहा है, अनुपात में कितना दोनों में जोड़ रहा है, एक है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 9 जोड़ रहा है। आपसे पूछा संख्या, संख्या यही ना है, पहले जोड़ने के पहले यही संख्या है, यानी कि 9 × 2 = 18 और 9 × 3 = 27, आपका आंसर हो जाएगा 18 और 27, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, हाँ तुम भी बड़ी चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है, यदि गोलियों की कुल वजन 20 किलोग्राम है और एक गोली का वजन 40 ग्राम है, तो गोलियों की संख्या, संख्या पूछ दिया है दोस्तों, कुल में एक के मान से भाग दे दीजिएगा तो संख्या निकल जाएगा, तो कुल कितना है 20 kg और एक का मान कितना है 40 ग्राम, कुल में एक से भाग दीजिएगा मतलब एक का मान से भाग दे दीजिएगा संख्या निकल जाएगा, लेकिन ऊपर है किलो में, नीचे है ग्राम में, एक यूनिट में कर लीजिए, तो हम ऊपर का को ग्राम में बदल लेते हैं, एक किलो में 1000 ग्राम होता है, इसलिए 1000 से गुना कर दिए। चलिए काट दीजिए 20 × 40, 2 से कर जाएगा 500 बार में, आपका आंसर आ गया 500, यानी 500 गोलियों की संख्या हो गया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1, 9, 25, 49 - 121, 1 square, 3 square, 5 square, 7 square, अगला हो जाएगा 9 square, अगला है 11 square, 9 square = 81, मतलब कि विषम संख्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 विषम का स्क्वायर, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 81, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, 64, 72, 72, 48,
24 का एलसीएम बताइए। दोस्तों एलसीएम का नियम बताए हुए हैं, ठीक है, आसान तरीका से बताए हुए हैं। 64 को लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64, इतना कुछ इतना लिख सकते हैं। देखिए इसमें 72 हो गया का, देखिए था 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 32 नहीं हुआ इसमें, 32 × 64 हो गया, 72 इसमें नहीं है। तो 2 × 4, 2 × 8, 8 इसमें 2 को 3 से गुना कर देंगे तो इसमें 72 भी हो गया। देखिए 3 × 9, 2 × 8, 2 × 36, 2 × 72 हो गया इसमें, 64 भी हो गया इसमें, 72 भी हो गया। 48 देखिए था, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 3 × 48, 48 इसमें हो गया। 24 देखिए, 3 × 6, 2 × 12, 2 × 24 भी हो गया। सब संख्या इसमें आ गया, इसका गुणनखंड सब इसमें आ गया, ठीक है, बस गुना कर दीजिए, एलसीएम हो गया। एलसीएम 3 × 9, 2 × 8, 2 × 36, 2 × 72, 2 × 144, 144 सबका, 144 सबका, 4 × 16, 4 × 56, 157, 157 यानी कि 576, 576 ऑप्शन में है क्या, देखिए था, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों यह सेट हो गया खत्म। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे को सेट लेकर, आज के इतना ही, जय हिंद।